नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक का पासवर्ड किस तरह से चेंज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका बताएंगे आपको कि फेसबुक का आप पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, देरी ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर हम अपना फेसबुक एप्लीकेशन को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, राइट साइड में आपका जो प्रोफाइल दिख रहा है और थ्री लाइन दिख रहा है एक साथ, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह से शो कर जाएगा। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस वाला ऑप्शन में आपको आ जाना है, सेटिंग वाला ऑप्शन में। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट कंट्रोल। तो यहाँ पर अभी सब कुछ यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड जितना है, पासवर्ड वगैरह वगैरह डिलीट करना होगा, जो भी करना होगा, चेंज करना होगा, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। अकाउंट से रिलेटेड जितना भी सेटिंग है सब कुछ यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सी मोर का एक ऑप्शन आप नीचे अपने यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका सामने कुछ यहाँ पर थोड़ा सा लोड लेगा। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट में, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है चेंज पासवर्ड। इसके बाद आपका यहाँ पे जितना भी अकाउंट रहेगा सब यहाँ पे शो कर जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ये वाला अकाउंट में चेंज करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं करंट पासवर्ड और नीचे देख सकते हैं न्यू पासवर्ड। इसके बाद वही टाइप पासवर्ड यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे करंट पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगर अपना आपका जो पासवर्ड है वो अगर याद है तो अच्छा बात है, अगर नहीं है तो उसे किस तरह पता कर सकते हैं, इस पर भी चैनल पर वीडियो है। तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा, या तो आई बटन में मिल जाएगा आपको वीडियो, वो देख लेना, फिर यहाँ से आपका काम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड ही याद नहीं है, या पासवर्ड आपको कहीं सेव नहीं हुआ है, या आप सेव नहीं किए हैं, तो क्या करें। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेटन योर पासवर्ड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ प्रोसेस आपका होगा। यहाँ पे आपको एक OTP आएगा आपका नंबर पे, आपका जो ईमेल है उसमें आपको यहाँ पे मतलब कि एक कोड आएगा, वो सब यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बता रहा है कि आप किस में लेना चाहते हैं। तो सेंड व्हाट्सएप में यहाँ पे आपको कोड भेजेगा, तो यहाँ पे फेसबुक नोटिफिकेशन में भी कोड भेजेगा, यहाँ पे ईमेल में भी आपका कोड आ सकता है, मतलब आपको जिसमें चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड इंटर करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको लगा लेना है, आपको जो भी न्यू पासवर्ड लगाना है। तो चलिए यहाँ से हम कुछ भी अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको ले लेना है। आपका पासवर्ड लगा लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन जो देख पा रहे हैं, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो इस तरह करके आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।